इम्प्रूव योर गार्डन इन माइनक्राफ्ट। तो सबसे पहले आपको एक प्लेस चुन लो जहाँ तुम्हें अपना फार्म बनाना है, आई मीन मतलब यही प्लेस एंड आपको एंड रैंडमली प्लेस कर देना ये सब चीज़ें। प्लेस कर लेने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो बोन मिल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो घास करते चलो। अब यहाँ लोग यहाँ पॉट्स लगा देते हैं पहले। ओ गलत हो गया। हाँ अब यहाँ सैपलिंग्स कोई भी सैपलिंग डालना है, और हाँ कॉर्नर में ही मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख के रखा ताकि आपको मदद भी मिल जाए। एंड फ्लावर पॉट यहाँ दोनों कॉर्नर में भी डालेंगे अब इस फ्लावर के साथ। आप चाहे तो कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, बट एज ए विश कोई भी आपको मतलब जो पसंद का फ्लावर हो। और करने के बाद आपको ऑलमोस्ट ये सब करना है जैसे। और हाँ आपको एक ट्री बनाना है ना, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि अच्छा लगे। एंड ये ऐसे ही आप चाहे तो यहाँ पर दो तीन बना सकते हैं अगर आपका ये बड़ा हो। अब कहीं भी पत्तियाँ डाल दो आप, जैसे मैं करने के बाद यहाँ डाल चुका हूँ ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर जंगल लीफ डालना, कोई भी जीप डालने के बाद जंगल लीफ होना। एंड कर लिया जैसे आपने, जैसे हम तो अभी भी कर रहे हैं। प्लेस करना इसको अच्छा रैंडमली, मतलब कहीं भी रैंडम प्लेस करना। और याद रखना कि उसको थोड़ा ऊपर में भी प्लेस कर दीजिए जहाँ जहाँ गैप्स हो। और हाँ मेरा हाउस ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही बना दिया था मैंने इसलिए। एंड चलो एंड आपको कुछ इस तरह का बनाना है, आप चलो पॉज करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको अकेसिया और ये चलो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ स्लैब देना मत भूलिएगा, कोई इसके अंदर घुस जाना है बस इस तरह। ऐसे आप घुस गए, घुसने के बाद आपको मतलब ऐसे डार्क कपड़ा लेना है। और हाँ कहीं भी प्लेस कर देना, कहीं भी एज आप कह सकते हैं कि आपने वहाँ कोई मतलब सीड प्लांट किया है सीड। हाँ तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और कहीं भी लगा दीजिए बस, कोई भी अपना फूल फेवरेट यहाँ पर। हाँ पर इसको आप चाहें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलो बाय।